सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो ये वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है एंड ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैंने न्यू ईयर के ऊपर एक ड्राइंग बनाया है एंड वो बहुत ही 3D ड्राइंग होने वाला है। सो आपको बहुत ही पसंद आएगा एंड हाँ, आप भी मेरे साथ ये ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो बिकॉज ये बहुत ही ईजी होने वाला है एंड इसको कोई भी ड्रॉ कर सकता है। आपको आउटलाइन के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस इस वीडियो को वॉच करना है क्योंकि मैंने आगे आउटलाइन का फोटो लगा रखा है। आप वहाँ पे वीडियो पॉज करके आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आपको कोई भी लाइट पेंसिल से आपको आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है विदाउट प्रेशर अप्लाई किए, बिकॉज अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे सो ड्राइंग बहुत ही रफ हो जाएगा और वो इरेज नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपका ड्राइंग बेकार भी हो सकता है। एंड ये कुछ शेड है जो कि मैंने इस ड्राइंग में यूज़ किए हैं एंड आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पेंसिल बहुत ही शार्प होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको कहीं भी फाइन स्ट्रोक लगाना हो तो वहाँ पे लगा सको। सबसे पहले यहाँ पे मैं लाइट पिंक कलर लूँगा एंड उससे मैं बहुत ही लाइट शेड करूँगा। आपको विदाउट प्रेशर अप्लाई किए यहाँ पे शेड करना है। लाइट पिंक के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डार्क पिंक, उसके बाद मैं रेड कलर यूज़ करूँगा। रेड कलर को यूज़ करने के बाद मैं स्किन टोन से उसको ब्लेंड कर दूँगा। उसके बाद मैं बॉल पेन से इसको आउटलाइन कर लूँगा और हाइलाइट के लिए मैं यूज़ करूँगा वाइट पेन जो कि सकुरा का है एंड नंबर इसका है 08। पेन से आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ हाईलाइट दूंगा। हाईलाइट देने के बाद थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए मैं यहाँ पे डार्क रेड कलर का यूज़ करूँगा एंड कुछ रिफ्लेक्टिव कलर के लिए मैं यूज़ करूँगा वाइट कलर। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अप्सरा का ग्लास मार्किंग पेंसिल जो कि आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं डेप्थ के लिए यूज़ करूँगा ग्रे कलर बिकॉज रेड कलर से उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था 3D लुक, सो यहाँ पे मैंने ग्रे कलर का भी ऐड किया है। एंड यहाँ पे मैंने हाईलाइट के लिए जेल पेन का यूज़ किया जिसके मैंने आपको बताया था। सो आगे आप खुद से कलर देख के ड्रॉ कर लेना बिकॉज मैंने आपको सब कलर का नाम भी बता दिया एंड आप लोग कलर को अभी तक पहचान भी गए होंगे कि मैं कौन सा कलर कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो हाँ, आप देख के ड्रॉ कर सकते हो। एंड सेट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो स्ट्रोक्स ड्रॉ कर रहे हो वो एकदम क्लोजली ड्रॉ होना चाहिए। जितना आप क्लोजली ड्रॉ करोगे सो उससे आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। सो हाँ, आप ट्राई करना कि आप बहुत ही अच्छे से सेट करो इसमें।
सो गाइज हैप्पी न्यू ईयर लिखना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, सो मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन भी ऐड किया इसके अंदर। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। सो हाँ, आप भी ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2-3 डिज़ाइन लगाए थे, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आपको जो डिज़ाइन पसंद आए वो भी आप सब में पुट कर सकते हो एंड अपनी ड्राइंग को और भी सुंदर बना सकते हो। एंड ड्राइंग बनाने के बाद आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो निखिल गुप्ता आर्ट करके नेम है। सो हाँ, आप जाकर फॉलो एंड टैग कर देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कलर यूज़ किए थे ब्लर इफेक्ट के लिए, सो आप भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप अपना फेवरेट कलर या मल्टीपल कलर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज 3D लुक के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड आपको सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। बैकग्राउंड को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है लाइट ब्लू पेंसिल। सो हाँ, आपको इसको लाइट प्रेशर पे ड्रॉ करना है। अगर आप इसको प्रेशर अप्लाई करके ड्रॉ करते हो तो आपका ड्राइंग उतना अच्छा नहीं दिखेगा। सो हाँ, आप ये ट्राई करना कि आप लाइट पे ही ड्रॉ करो और एक ही शेड हर जगह ड्रॉ करो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना। इस वीडियो को लाइक रखते हैं ओनली 10 लाइक्स। आई होप आप लोग लाइक एंड कंप्लीट कर दोगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए ड्राइंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।